नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है और इसके लिए अभी से ही कमर भी कस ली गई है। बीजेपी अपने स्तर पर अपने साथ लोगों को जुटाने में लगी है और विपक्ष तो इंडिया संगठन बनाकर ही मोदी को चुनौती देने की ठाने बैठा है। लेकिन क्या मोदी को चुनौती देना इतना आसान है? क्या मोदी को सत्ता से हटाना इतना आसान है? जबकि सर्वे से लेकर संत महात्मा भविष्यवक्ता इस बार भी पीएम मोदी के ही सत्ता में फिर से विराजमान होने का आकलन किए बैठे हैं। अब बक्सर के संत त्रिदंडी स्वामी महाराज को ही ले लीजिए, जिन्होंने साल 2017 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी और इस बार भी बक्सर के त्रिदंडी महाराज ने घोषणा कर दी है और बता दिया है कि इस बार भी पीएम मोदी को उनके पद से कोई नहीं हिला पाएगा। जी हाँ, संत त्रिदंडी स्वामी महाराज ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगली बार भी नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और तो और, त्रिदंडी स्वामी ने तो 2027 के लिए भी घोषणा कर दी है। स्वामी ने कह दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी और 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। संत महात्मा ने फिर ये भी कहा कि जब 2027 में योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हर तरफ चर्चा है, पहले जब से मोदी सत्ता में आए हैं और फिर 2017 से जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े प्रदेश को संभाला है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि भारत जल्द हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इससे दूसरे कुछ खास धर्म के लोगों को आपत्ति है और वो इसके खिलाफ काफी मुखर भी हैं। लेकिन हिंदू धर्म की बात करने वाले, हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले, खुद को हिंदू होने पर गर्व करने वाले योगी आदित्यनाथ के जल्द ही देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठने की तो त्रिदंडी स्वामी ने घोषणा कर ही दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि योगी के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान होते ही साल 2027 में ही देश हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। अब आप शंका में होंगे कि भला त्रिदंडी स्वामी की बात क्यों और कैसे मानी जाए, उनकी कौन सी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं जो ये महाराज देश को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि त्रिदंडी तो वैसे बहुत सी भविष्यवाणियां कर चुके हैं, लेकिन ये वही हैं जिन्होंने 2017 में फिर से पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की थी, जो कि सच भी साबित हुई। अब इस बार की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन अपनी इस घोषणा से स्वामी ने कई चेहरों को खुशी दी है तो कई चेहरों को मायूस भी कर दिया है। वहीं अब ये संत महात्मा सब एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र के पिपराड में 30 अक्टूबर से 5 दिवसीय संत समागम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पंडोखर सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री के अलावा मुरारी बापू के साथ साथ कई दिग्गज संतों का दरबार लगने वाला है। इस दौरान लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। बक्सर में पहली बार 5 दिवसीय दिव्य दरबार लगने वाला है, जहां बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन होगा और आम लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब ये दरबार लगेगा और उधर बक्सर के त्रिदंडी स्वामी के हिसाब से पीएम मोदी के फिर से एक बार पीएम बनने का दिन और करीब हो जाएगा। और तो और, भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ भी बढ़ चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है। वैसे आप त्रिदंडी स्वामी के कथनानुसार उनकी बात पर कितना विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक लगने वाली है? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी ही फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री होंगे और फिर जो हिंदू राष्ट्र बनने की त्रिदंडी स्वामी ने भविष्यवाणी की है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।